भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी रांची से देवघर जाने के क्रम में बरगंडा स्थित अपने आवास में रुके। यहां भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे समेत अन्य कई भाजपाइयों ने इनका स्वागत किया। मौके पर 16 दिसंबर को प्रस्तावित कार्यक्रम पर चर्चा की गई। बताया गया कि प्रदेश के निर्देशानुसार बुधवार को सभी मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालय में एक दिवसीय धरना दिया जाएगा और प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। बताया गया कि 5 सूत्री मांगों को लेकर इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है। एक तो आप सब लोगों की जानकारी में कि दिसंबर में पंचायत का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो गया और आज सरकार चुनाव ना करा कर सब कुछ अपने पास समेट लेना चाहिए। इसलिए हम सब पार्टी की ओर से हम लोगों ने तय किया सरकार से यही मांगते हैं कि आप बिना विलंब अब स्थानीय निकाय की सरकार को चुनाव करना चाहिए, क्योंकि चुनाव हो नहीं होगी तो पंचायत को या गाँव को जो विकास के लिए जो पैसे आते हैं केंद्रीय सहायता वो बंद हो जाएगी। तो इस राज्य के बड़ी आबादी जो लोग बेकार हैं, बेरोजगार हैं, जिसको रोजगार मिलता था वो लोग फिर बेरोजगार हो जाएंगे और बेरोजगारों की संख्या और बढ़ेगी, लोग फिर पलायन। इसलिए सरकार को बिना विलंब किए पंचायत के चुनाव करानी चाहिए, स्थानीय निकाय के चुनाव करानी चाहिए। और दूसरा तो पूरे प्रदेश में जो बालूघाट का जो मामला है कि लोगों को मिल नहीं रहे, पूरे प्रदेश में मात्र 25 ही बालूघाट है जो उसका नीलाम किया हुआ है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। तो लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, महंगी दरों पर बालू मिल रही है, घर द्वार कोई बना रहे हैं उनको भी आज परेशानी हो रही है, पुलिस पकड़ रही है, माइनिंग वाले पकड़ रहे हैं, कंट्रेक्टर पकड़ रहे हैं, लोगों के ऊपर केस कर रहे हैं। हम सब ने यही मांग किया है कि भाई आप जब तक ऑक्शन नहीं हो जाता है, नीलामी नहीं हो जाता है बालूघाटों की और वैकल्पिक व्यवस्था होने तक स्थानीय जो निर्माण है, लोग झारखंड में जो लोग घर बनाते हैं अब उसको तो आप छूट दीजिए। झारखंड से बाहर जो लोग बालू की तस्करी करते हैं वहाँ बॉर्डर पर आप चेक पोस्ट लगा दीजिए, वहां पकड़िए लोगों की गाड़ी को, बिहार के बॉर्डर में लगा दीजिए, उत्तर प्रदेश की बॉर्डर में लगा दीजिए, बंगाल की बॉर्डर में लगा दीजिए, छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बॉर्डर में लगा दीजिए। लेकिन ये तो उल्टी हो रहा है, बॉर्डर से तो सरकार चोरी करवाती है और अंदर में जो निर्माण कार्य लोग कर रहे हैं तो उनको जबरदस्ती पकड़ करके उनके ऊपर केस कर रहे हैं, परेशानी कर रही है, लोग निर्माण कार्य रुका हुआ है, लोग बेकार बेरोजगार हो रहे हैं और साथ ही आम लोगों के ऊपर केस हो रहा है, लोग परेशान हैं। तो ये दूसरा ये मुद्दा है। तीसरा मुद्दा तो लॉ एंड ऑर्डर की है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। राज्य में जो जिस प्रकार से हालत आज पैदा हुई है, चोरी डकैती है, क्या आप यहाँ तक कि आज तो बहु बेटियों की इज्जत ही नहीं बल्कि उसकी जान माल भी कोई सुरक्षित नहीं है। आज भी लोग आए थे हमसे मिले थे, जैसे गिरडी की घटना है, कहीं कोई अपराधी पकड़ में नहीं आते, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि लगता है कि सरकार को इस ओर ध्यान ही नहीं है। जितने भी तंत्र के लोग हैं सबको क्या बोलते हैं वसूली में लगा दिए, फिर करप्शन का मामला है, आज भ्रष्टाचार है सब जगह। और भ्रष्टाचार का हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, यहाँ आम लोगों से जुड़ा हुआ जाए, थाना हो, ब्लॉक हो, अंचल हो, आज वहाँ लगता है कि एक प्रकार से वसूली का केंद्र बन गया है, आम जन परेशान है। और मजे की बात यह है कि पुलिस विभाग, गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है, भूमि सुधार विभाग भी मुख्यमंत्री के पास है। अब बताओ जो विभाग मुख्यमंत्री के पास है उस विभाग में अगर भ्रष्टाचार का ये आलम है तो फिर आम लोगों को राहत कहाँ से मिलेगी।